الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اسلامی دینی بھائیوں اور محترم اساتذہ کرام، ذکر چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا ولی کس بندے کو قرار دیا جائے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے منصب ولایت عطا کیے جانے کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے، اس تعلق سے آپ کے سامنے لفظ ولایت کا معنی اور مفہوم واضح کیا گیا تھا، اور آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ولی اللہ کسے کہتے ہیں۔ آیا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی حدیث میں کہ ہم جن لوگوں کو اللہ کا ولی کہہ سکیں ان صفات کے حامل انسان کا اللہ کے رسول نے کہیں تذکرہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے؟ اگر قرآن کریم پر نگاہ ڈالی جائے اور دیکھا جائے تو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پیش کی ہے، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63، اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے وہ اللہ رب العزت کے نافرمان بندے ہیں، منافقین ہیں، کفار ہیں، یا جنہیں آپ اللہ رب العزت کا دشمن کہہ سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے نافرمان بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فوراً اسی کے بعد اپنے کچھ محبوب بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جنہیں ہم اولیاء اللہ کے نام سے جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اور اگر لفظ ولی دیکھا جائے اور اگر قرآن میں یہ لفظ اور اس سے بننے والے جو الفاظ ہیں ان کو اگر تلاش کیا جائے تو جن لوگوں کو علوم قرآن سے دلچسپی ہے، اور ہر مسلمان کو قرآن سے دلچسپی ہونی چاہیے،
कसरत से उसकी तिलावत करनी चाहिए ताकि आपको महसूस हो सके कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ही बात को, एक ही चीज को बार बार क्यों दोहराता है। इसका एक मकसद होता है, एक ही चीज को जब बार बार कहा जाए, समझाया जाए, बतलाया जाए। लफ्ज़ वली और उससे बनने वाले जो अल्फाज हैं कुरान करीम के अंदर तकरीबन 233 दफा आए हैं। इससे अंदाजा होना चाहिए हमें और आपको कि ये कोई आसान मसला नहीं है और ये कोई कम अहमियत का हामिल मसला नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल किया जाए, उसकी दोस्ती हासिल की जाए, उसका महबूब बंदा बना जाए। इसके लिए क्या उसूल है, क्या जाबता है, क्या तरीका है, ये हमें समझने की जरूरत है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे लोगों के लिए किस किस्म के इनामात रखे हैं, किन किन चीजों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे अपने बंदों को नवाजता है, ये जानने की जरूरत है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसरत से अपने नेक बंदों का तस्करा फरमाया। यह जो आयत आपके सामने है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर्फ तंबी इस्तेमाल किया है। अगर किसी इंसान का दिलो दिमाग किसी और जानिब हो, उससे हटाकर उसकी सारी तवज्जो इस जानिब मबजूल होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई बहुत अहम तरीन चीज हमें बतलाना चाहते हैं, इसलिए कहा सुन लो। क्या सुन लो? इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो उसके चहीते बंदे हैं उनके लिए जो इनामात मुकर्रर किए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और जो एहसानात उनके ऊपर करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत, उनका तस्करा फरमाया है। कहा अल्लाह के बंदे, अल्लाह के औलिया, अल्लाह के दोस्त, कहा ला खौफुन अलैहिम, इनके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और न ही ये लोग गमजदा होंगे। मुफस्सरीन कहते हैं कि खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से है, यानी जो चीज आने वाली है, जिस चीज के खदशात खतरात आप महसूस करते हो या डर लगता हो सोचकर, इसलिए मुफस्सरीन कहते हैं कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं ये कयामत की हौलनाकियों से इतने ज्यादा परेशान नहीं होंगे जिस कदर दूसरे लोग परेशान और हैरान होंगे। एक तो ये फायदा है अल्लाह ताला का वली होने का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का के महबूब बंदों में दाखिल होने का पहला इनाम, पहला फायदा कि कयामत की हौलनाकियों से आपको ज्यादा दहशत और वहशत नहीं होगी, इसलिए कि दुनिया में आपने ऐसे लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ के साथ जिंदगी गुजारी है, दुनिया में डरते रहे, फूंक फूंक कर कदम रखा है कि आखिर हम ये काम करें या ना करें, करने से पहले सोचते हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने कहा ये खौफ नहीं होगा ऐसे लोगों के ऊपर, वला हुम यहज़नून, और ना ही ऐसे लोग गमजदा होंगे। हुज़्न का ताल्लुक माजी से होता है, दुनिया में जो नेमतें छोड़कर आए हैं उन पर उनको कोई रंज नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत में ऐसे लोगों के लिए जो नेमतें रखी हैं वो लाफानी हैं, लाजवाल हैं। दुनिया की कोई भी नेमत ऐसी नहीं है जो हमेशा रहे, ये फानी नेमतें हैं। या वो लोग जो दुनिया में नेमतों से महरूम रहे, दुनिया की लज्जतों से महरूम रहे, उनको कोई गम और कोई अफसोस नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में ऐसे लोगों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, अंदाजा ही नहीं लगा सकते। इसलिए फरमाया ये दूसरा इनाम है ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह के वली हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे फरमाया अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, ये अल्लाह के वली हैं कौन, उनकी सिफात क्या है? अल्लाह ने पहली सिफत जिक्र की है अल्लज़ीना आमनु,
सबसे पहली बुनियादी शर्त है साहिब ईमान होना। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान हो, उसकी किताबों पर ईमान हो, उसके फरिश्तों पर ईमान और उसके रसूलों नबियों पर, कयामत के कायम होने पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान होना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब में जो चीजें बयान फरमाई हैं उनकी मुकम्मल तस्दीक होनी चाहिए, दिल से जबान से इकरार, और जो अहकाम बयान फरमाए हैं आमली शक्ल में हमें उसको करके दिखाना चाहिए। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान के जरिए से जो अहकाम अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए हैं, जो शरीयत, जो दीन अल्लाह के रसूल लेकर आए हैं, उस पर मुकम्मल ईमान होना चाहिए, तस्दीक होनी चाहिए हमारी, और अमल भी करके दिखाना चाहिए। ये है ईमान की तफसीलात। वो ईमान नहीं जिसे हम ईमान समझते हैं। हमारे ईमान में शिर्क अकबर भी है, हमारे ईमान में शिर्क असगर भी है। ये वो ईमान नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मतलूब और मकसूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो ईमान मतलूब और मकसूद है जिसमें किसी भी किस्म के शिर्क की बू महसूस ना होती हो। इसलिए कहा सबसे पहली शर्त तो ये है अल्लाह का वली होने की साहिब ईमान होना। अगर किसी बंदे को आप देखते हैं और उसके ईमान में खलल पाया जाता है, ईमान के तकाजों को पूरा नहीं करता है, अमली अहकाम पर चलकर नहीं दिखाता है, तो याद रहे कि ऐसा शख्स वलीउल्लाह नहीं हो सकता, अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। आइए उसके बाद का वकानु यत्तकून, दूसरी शर्त अल्लाह का वली होने के लिए तकवा है, परहेजगारी है। और तकवे का बुनियादी मफहूम मैंने बतलाया था कि अल्लाह ने जिन जिन चीजों के करने का हुक्म दिया है उन पर हम अमल करते हों, और जिन चीजों से मना फरमाया है उनसे हम बाज रहें। ये है तकवा। तो अल्लाह का वली होने के लिए हमारे लिए बुनियादी तौर से दो शर्तें चाहिए, एक तो ईमान और दूसरी शर्त है अल्लाह रब्बुल इज्जत का तकवा। अगर किसी शख्स के अंदर ये सिफात पाई जाती है, कोई भी शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत का वली हो सकता है, दोस्त हो सकता है, महबूब बंदा हो सकता है। और ये कि ईमान और तकवे के चूंकि मरातिब हैं, दर्जात हैं, इस लिहाज से उसके मकामे विलायत में कमी और ज्यादती हो सकती है। औलिया अल्लाह वो नहीं है जिन्हें आज लोग समझते हैं कि जो ना तो ईमान के तकाजों को पूरा करते हैं और ना ही तकवे का रास्ता इख्तियार करते हैं, बल्कि शराई मुखालिफ आमाल उनकी पहचान है। पड़ोसी मुल्क के ताल्लुक से बीबीसी उर्दू सर्विस ने किसी मौके से, और इस तरह की खबरें हर साल लोग जिक्र किया करते हैं, एक कोई बुजुर्ग हैं जिनके मजार पर साल में कोई भी लम्हा ऐसा नहीं होता है जहां जब म्यूजिक और साज न बजता हो। ये पीर है, वली है, इनको पीर और वली कहा जाता है। इनकी पहचान क्या है? साल के किसी भी लम्हे में, दिन हो, रात हो, बारिश हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हर वक्त म्यूजिक मजार पर बजता रहता है, और दुनिया के गोशे गोशे से लोग अपनी फनकारी का मुजाहिरा करने के लिए इस दरगाह पर हाजिरी देते हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि हमारी शरीयत के अंदर साज और म्यूजिक और मौसीकी ये शरान हराम है। अगर किसी शख्स की अलामत बन जाए, पहचान बन जाए, क्या वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का वली हो सकता है? और मालूम नहीं कि जो शख्स मदफून है उसका ताल्लुक इससे क्या था क्या नहीं था। हैं बहुत से लोग ऐसे जो साजो आवाज सुनने के कायल हैं। कुछ लोग तो इबादत के नाम पर साजो आवाज सुनते हैं, जिसे सूफियों की इस्तिलाह में समा कहा जाता है। इबादत के तौर पर यह साजो आवाज सुना जाता है, कव्वालियां कही जाती हैं, मनकबतें पढ़ी जाती हैं, ढोल बजाए जाते हैं, ताशे बजाए जाते हैं। उम्मत का एक तबका तो वो है जो साज और मौसीकी को इबादत के तौर पर सुनता है,
और इम्मत उम्मत का, नौजवानों का मैं कहूंगा एक बड़ा तबका है, हो सकता है जो बुजुर्ग हो वो भी इसमें मुब्तला हो, जो कानों की लज्जत के लिए, लुत्फंदोज होने के लिए साज और मौसीकी सुनते हैं। दोनों लोग खताकार, दोनों लोग गुनहगार हैं, लेकिन जो लोग इबादत के तौर पर साज और मौसीकी सुनते हैं उनका गुनाह उन लोगों से ज्यादा है जो लज्जत के तौर पर साज और मौसीकी सुनते हैं। ये उलमा ने लिखा है, किस लिए? इसलिए कि जो काम, जो अमल गुनाह हो हकीकत में और उसे इबादत के तौर पर अंजाम दिया जाए वो इंतहाई खतरनाक, ऐसे शख्स की तौबा भी बहुत मुश्किल है, इसलिए कि वो तो उसको इबादत समझता है। बुजुर्गान दीन के मजार पर जाकर कव्वालियां सुनना उसको जायज समझता है, सवाब जानकर उसको सुनता है, ऐसे शख्स का तौबा करना इंतहाई मुश्किल है बनिस्बत उस शख्स के जो जानता है कि गलत काम, जानता है ये गुनाह का काम है। हो सकता है अल्लाह ताला उसको तौफीक अता फरमा दे तौबा करने की, वो समझता है कि ये गलत काम है, लेकिन एक शख्स बुजुर्गान दीन के नाम पर कव्वालियां सुनता है, मनकबतें सुनता है, ऐसे शख्स की तौबा इंतहाई मुश्किल तरीन अमल है। इसलिए याद रहे कि जो लोग इस बात के कायल हैं जो इन चीजों में मुब्तला है, माफ फरमाइएगा, ऐसे लोग अल्लाह के वली नहीं हो सकते। एक हराम काम किया जाए इबादत के तौर पर कैसे ऐसा शख्स अल्लाह ताला का वली हो सकता है? उसके बाद आइए देखते हैं आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह ताला ने जो इस बात का मुजाहरा करे कि उनका ईमान ठीक है, दुरुस्त है और तकवा और परहेजगारी की जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए दो इनाम तो अल्लाह ताला ने शुरू में जिक्र फरमाए, एक तीसरा इनाम यहां पर अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया लहुमुल बुशरा, ऐसे लोगों के लिए दुनियावी जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में खुशखबरी है। अल्लाह ताला की जानिब से बहुत सारी खुशखबरियां ऐसे बंदों को दी जाती हैं, उनमें से एक बुनियादी खुशखबरी ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदों को जो खुशखबरियां सुनाता है उनमें से अल्लाह ताला ऐसे बंदों के दिल में ये बात डाल देता है और उनको यकीन हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों के साथ है। अल्लाह ताला की नुसरत और ताईद जो अल्लाह के वली हैं उनको हासिल रहती है, अल्लाह ताला उनको तनहा बेयारो मददगार नहीं छोड़ता है, बशर्ते कि हम ईमान और तकवे के तकाजों को पूरा करें। और इसी तरीके से दूसरी खुशखबरी ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में जो नेमतें उनके लिए तैयार कर रखी हैं उनकी खुशखबरी है ऐसे लोगों के लिए। तीसरी बड़ी खुशखबरी है अल्लाह ताला ऐसे लोगों को तौफीक अता फरमाता है कि उनका कोई भी उज्व अल्लाह ताला की मासियत में और गुनाह में इस्तेमाल नहीं होता है, अल्लाह ताला गुनाहों से ऐसे बंदों को महफूज फरमा देता है। ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक हर शख्स को हासिल नहीं होती है, अल्लाह ताला के जो खास बंदे हैं उन्हें ये तौफीक हासिल होती है। मैं आगे पेश करूंगा इस सिलसिले में हदीस अल्लाह के रसूल की। और अगली खुशखबरी, जब फरिश्ते रूह कब्ज करने के लिए आते हैं वहां भी फरिश्ते मौत के वक्त जो अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं उनको खुशखबरी सुनाते हैं। और इसी तरीके से दुनिया के अंदर सच्चे ख्वाब दिखलाते हैं, बहुत सारी चीजें ख्वाब के अंदर बतला दी जाती हैं ऐसे नेक बंदों को जिनसे उनको मजीद कल्बी सुकून और इत्मीनान हासिल होता है, ये भी इनाम है ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की जानिब से। और अगली खुशखबरी है कि अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों की दुआएं रद्द नहीं फरमाता है, मुस्तजाबुद दावात हो जाते हैं, जो भी दुआ अल्लाह ताला से करते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। और आखिरी खुशखबरी है कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों के हाथों पर खारिक आदत, खिलाफ आदत बड़े बड़े ऐसे काम जारी कर देता है जो आम इंसानों के बस की बात नहीं है, लेकिन ये विलायत के लिए शर्त नहीं है ये चीज, यानी जिसे आप एक लफ्ज में कहें, इस्तिलाह में कहें, करामत कहा जाता है। वली होने के लिए
करामत का होना लाजमी और जरूरी शर्त नहीं, ये सिलसिले में गुफ्तगू आएगी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे इनामात रखे हैं। अपने यहां जो दुनिया के अंदर ईमान और तकवे की जिंदगी गुजारते हो, अल्लाह का वली होने के लिए ईमान और तकवा ये दो बुनियादी चीजें। आइए देखते हैं क्या क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों का तज़किरा फरमाया है। एक हदीस है अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की, और यह हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत से बराए रास्त रिवायत करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, इन्नल्लाहा काला मन आदा ली वलियन फकद आज़न्तुहु बिलहर्ब। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मन आदा ली वलियन, जिस किसी शख्स ने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, अदावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई मुत्तकी बंदा है, परहेजगार बंदा है, उससे अगर कोई शख्स अदावत रखता है, चाहे हुकूमत हो या हुकूमत के जिम्मेदारान हो या कोई आम इंसान हो, कोई भी शख्स अगर अल्लाह के नेक बंदों से अदावत रखता है, उसका नतीजा क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, फकद आज़न्तु बिलहर्ब, मैंने ऐसे शख्स से ऐलाने जंग कर दिया है। गोया के जो शख्स इस्लाम पर चलने वाले से अदावत रखता हो, दुश्मनी रखता हो, ऐसे शख्स के सामने अल्लाह है, अल्लाह से उसका मुकाबला है। क्या कोई है जो दुनिया में अल्लाह ताला से मुकाबला कर सकता हो? नहीं कर सकता है। इसलिए अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, महबूब बंदे हैं, औलिया इकराम हैं, हकीकी औलिया इकराम की मैं बात कह रहा हूं, उनसे मोहब्बत करना, उनका दिफा करना, ये जुज़्वे ईमान है, इसके बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता है। आज हमारे ऊपर ऐसे न जाने कितने लोगों के ऊपर इल्जाम आयद किया जाता है कि ये लोग अल्लाह के वलियों को नहीं मानते हैं, अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखते हैं, अदावत रखते हैं। और अल्लाह के रसूल इस तरह से फरमाए कि जो शख्स अल्लाह के वली से अदावत रखता हो, वो गोया कि अल्लाह ताला से जंग कर रहा है, अल्लाह ताला उसके मद्दे मुकाबिल है। तो क्या ये बात समझ में आ सकती है कि हम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से, या और जो सही माना में वली है अल्लाह ताला के, उनसे अदावत रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं? अल्लाह के रसूल ने इतनी, या अल्लाह ताला ने इतनी सख्त वईद सुनाई हो जो शख्स अल्लाह के वलियों से अदावत और दुश्मनी रखता हो? और आइए, अल्लाह ताला की विलायत हासिल करने का जरिया क्या होगा, तरीका क्या होगा, वो भी अल्लाह के रसूल ने बयान फरमा दिया है। उसके बाद कहा, अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा तकर्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा अफ्तरस्तुहु अलैह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे ऊपर जो अहकाम लागू किए हैं वो दो तरह के, एक तो फराइज है जिनको लाजमी तौर से हमें अदा करना है, और दूसरे वो अहकाम है जो मुस्तहबात में आते हैं, नवाफिल में आते हैं, जिनके जरिए से बंदा अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल करता है। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने बंदे पर जो चीजें लाजिम की हैं उनकी अदायगी मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है। जो फराइज हमारे ऊपर आयद किए गए, मुकल्लफ बंदे के ऊपर सबसे पहला फरीजा क्या आयद किया गया है? अकीदे की किताबों में हम पढ़ाते हैं तलबा को, अव्वलु वाजिबिन अलल मुकल्लफ तौहीदुहु, सबसे पहला फरीजा इंसान के ऊपर क्या आयद होता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत है, तौहीद है, उसको एक जाने, एक माने, एक ही की इबादत करे। लेकिन आइए सोचिए, गौर कीजिए कि हम इस फरीजे में खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, और बल्कि मुस्तकिल जमातें ऐसी मौजूद हैं आपके इसी मुल्क के अंदर जो कहती हैं कि तौहीद की क्या जरूरत है, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, तौहीद से क्या मतलब है? अगर तौहीद की बात करेंगे तो लोग भाग जाएंगे।
लोग आपकी सुनेंगे नहीं, आपसे दुश्मनी करेंगे, आपको घर से निकाल देंगे, आपको बस्ती से निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। याद रहे सबसे पहला फरीजा है हम इसका ऐलान करें लोगों के सामने कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं। और अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर क्या चीजें फर्ज की हैं, 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, लेकिन लोग फराइज का एहतमाम नहीं करते हैं। हाँ, नफली नमाजें तो शबे कद्र में पढ़ लेते हैं, रमजान में तरावियों का एहतमाम तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहां फर्ज नमाजों का एहतमाम नहीं है। माफ फरमाइएगा, जब तक हम फर्ज नमाजों का एहतमाम नहीं करेंगे और अल्लाह की बंदगी और उबूदियत का ऐलान नहीं करेंगे नमाज के जरिए से, हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते। और भी रोजे हैं, रमजान के रोजे बहुत से लोग रखते हैं, बहुत से लोग नहीं रखते हैं, लेकिन नफली रोजों का एहतमाम लोग करते हैं। जकात का हाल भी यही है, 2.5% जो वाजिब है या इससे कम या ज्यादा बाज हालात में, वो जकात देने के लिए हम तैयार नहीं, ये फर्ज है, लेकिन लोग नफली सदका खैरात करते हैं। कोई कंपनी चलाते हैं, जो मुसलमान मजदूर हैं उनको पूरे रमजान इफ्तार का एहतमाम कराते हैं, इफ्तार कराते हैं, लेकिन मजदूरों का जो हक है, जो उनकी तनख्वाह है, वो देने के लिए तैयार नहीं है, वो तनख्वाह पूरी नहीं देते हैं, लेकिन नफली इफ्तार जरूर मस्जिद में कराते हैं। माफ फरमाइएगा, हमारे यहां ये वाज़े कोताही मौजूद है कि हम नफली चीजों का एहतमाम करते हैं और फर्ज चीजों से कतराते हैं। सबसे पहले हमें किन चीजों का एहतमाम करना है, अल्लाह ताला ने जो चीजें फर्ज की हैं जिंदगी के में, एक दफा हज को वाजिब किया है अल्लाह ताला ने, और जिंदगी में एक दफा उम्रे को लाजिम किया है, इसका एहतमाम होना चाहिए। लेकिन लोग फराइज का एहतमाम नहीं करते हैं, बल्कि नवाफिल का एहतमाम फराइज से ज्यादा करते हैं। ये हमारे यहां गंगा जिसे कहा जाता है कि उल्टी बहती है, हमें सबसे ज्यादा जो चीज का एहतमाम करना है वो फराइज है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब चीज वो है जो मैंने फर्ज की है, बंदा इसके जरिए से मेरा तकर्रुब हासिल करे। उसके बाद नंबर आता है नवाफिल का, आगे फरमाया वमा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बहु, और जो बंदा फराइज का एहतमाम करता है, उसके बाद जो चीजें नफिल में आती हैं, मुस्तहबात में आती हैं, उनके जरिए से मेरा तकर्रुब हासिल करता रहता है, नवाफिल का एहतमाम। और एक दिन का मसला नहीं है, कुछ लोग हैं कि फर्ज रोजों के बाद जो नफल रोजे हैं कभी एहतमाम कर लिया कभी नहीं किया, या फर्ज नमाजों के अलावा जो नफल नमाजें हैं कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, और इसी तरीके से बहुत सारे नफली सदका और खैरात हैं कभी किया कभी नहीं किया। ऐसे लोग अल्लाह ताला के वली नहीं हुआ करते, वली वो होते हैं जो फराइज के जरिए से अल्लाह की बंदगी का ऐलान करें और मुसलसल नवाफिल का एहतमाम उनके यहां रहे। इसलिए कि हदीस में फरमाया गया है वमा यज़ालु अब्दी, इस्तिमरारियत चाहिए, पाबंदी चाहिए, ये एहतमाम हमारे यहां नवाफिल का होना चाहिए। तो जो बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नवाफिल का एहतमाम करते हैं, फराइज की पाबंदी करते हैं, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए क्या इनाम रखे हैं, वो इनामात मैं इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगले खुतबे में जिक्र करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दो चीजों के एहतमाम के नतीजे में बंदे को क्या चीज अता फरमाते हैं, दुनिया और आखरत के अंदर उसको क्या चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको क्या अता करने वाला है, वो चीज मैं आगे आपके सामने रखूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको भी ऐसे बंदों में शामिल होने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए, हमें भी ईमान के तकाजों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, तकवा इख्तियार करने की, मुत्तकी बनने की
تقویٰ شعار بننے کی اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے اس درجے کو حاصل کر سکے جو اس نے اپنے ایسے بندوں کے لیے رکھا ہے، جسے آپ اللہ کا ولی کہیں، اللہ کا دوست کہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ کہیں، اللہ کا محبوب بندہ کہیں. طریقہ یہی ہے کہ ہم ایمان اور تقویٰ کے سارے تقاضوں کو پورا کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.